Welcome back to BBVN online classes. In last two video, we read about database, DBMS, its advantage and some of the other things. अब देखिए दो वीडियो के अंदर जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने अभी तक देखा है, उसके बारे में अपन आज क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं. इसके बारे में अपन बात करें किस किस टाइप से इनके क्वेश्चंस आते हैं, या जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या अपन को आंसर यहाँ पे देना होता है. तो जनरली फर्स्ट थिंग ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है. तो मैंने आपको बताया कि द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर टू एज द डेटाबेस. कि अगर अपन कहें कि भी कोई भी डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और देन वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, देन उसे अपन क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे. तो हो सकता है आपसे डेफिनेशंस पूछी जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, देन आप कहोगे द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, और यहाँ पे आप वर्ड और यहाँ पे ऐड कर लें, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रेफर्ड टू एज द डेटाबेस. द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रेफर्स टू एज द डेटाबेस. देखिए कोई भी डेटाबेस होगा वो ऑर्गेनाइज जरूर होगा, उसके डेटा होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनाइज जरूर होंगे. नेक्स्ट थिंग ये थी अपनी कि व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं वो क्या है, डीबीएमएस है. तो ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट मैनेज द डेटाबेस, जो डेटाबेस को बनाने के लिए उसे मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. अब हो सकता है आपसे एग्जांपल पूछे कि भी टू या थ्री एग्जांपल आपको बताने हैं डीबीएमएस के, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, साइबेस है, एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, डीबी2 है, ओरेकल है, इसके अलावा फॉक्स प्रो है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, डेटाबेस को बनाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो आता है मैनेज. तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स अपन मैनेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन कहें तो डेटाबेस बनाया अपन ने, इसके अलावा अपन क्या करें कि डेटाबेस में कोई चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, लाइक अपन को कोई भी डेटा ऐड करना हो या कोई भी डेटा डिलीट करना हो सकता है उस डेटा में क्या करना हो, अपडेशन करना हो, इस डेटा को सिक्योर करना हो, और कोई भी नंबर ऑफ डेटा है या अपन कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उनमें से कोई पर्टिकुलर डेटा को अपन को क्या करना है, एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है. ये सारा काम किस में करेंगे अपन, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे. इसके पहले अपन ने जो एमएस एक्सेस है उसका भी यूज किया है, तो वो भी क्या है, यहाँ पे एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, देन डेटा इंसर्ट करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, क्वेरी करते हैं. तो क्वेरी का मतलब यहाँ वहाँ पे भी क्या था, डेटा को एक्सेस करना, और यहाँ पे भी क्वेरी का मतलब क्या होगा कि अपन कोई भी क्वेरी क्रिएट करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, अपन डेटा को एक्सेस करेंगे, रिट्राइव करेंगे. ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले बात की डेटाबेस की, देन अपन ने क्या बात की, डीबीएमएस की. नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एडवांटेज. अब एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो जिसमें अपन ने कहा रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. अब रिडंडेंसी का मीनिंग आपको मैंने क्या बताया, डेटा डुप्लीकेशन. कि डेटा डुप्लीकेशन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है. देखिए एलिमिनेट तो अपन नहीं कर सकते, अगर अपन कहें कि भाई डेटा डुप्लीकेशन होता ही नहीं है तो ये तो गलत होगा, पर डेटा डुप्लीकेशन या अपन कह सकते हैं डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है. नेक्स्ट है इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स. जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली आगे भी बताऊंगा कि इन्फोर्स स्टैंडर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कि जस्ट लाइक कोई प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना, कोई भी पर्टिकुलर रूल्स अपन किसी पर्टिकुलर टेबल या कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड्स कहेंगे. नेक्स्ट अपना आता हुआ था डेटा कंट्रोल, डेटा इनकंसिस्टेंसी. अब इनकंसिस्टेंसी की अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि अगर डेटा मिसमैच होता है अलग अलग टेबल्स के अंदर, देन वो क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो डीबीएमएस के अंदर वो भी अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. और लास्ट आता हुआ था मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. इसके अलावा भी और भी एडवांटेजेस होते हैं, पर अपन ने जनरली कुछ एडवांटेज पढ़े हैं जिसके अंदर अपना आता है डेटा इंटीग्रिटी. तो देखिए डेटा इंटीग्रिटी कैसे, अब डेटा इनकंसिस्टेंसी है उसको कंट्रोल करेगा, तो ये अपन कह सकते हैं कि डेटा अपने आप में क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, डेटा इंटीग्रिटी. तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है. तो जनरली आप यहाँ से अपने कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस एंड डीबीएमएस क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं. तो आपको कम से कम टू एडवांटेज आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो डेटा मॉडल के बारे में अपन बाद में बात करेंगे. यहाँ पे कुछ रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजीज है. देखिए ये हो सकता है आपसे कम पूछी जाए, एग्जाम के अंदर आपसे कम पूछी जाए, पर अगर अपन प्रैक्टिकली जब भी MySQL को काम में लेते हैं तो वहाँ पे अपन को हर एक टर्म का पता होता है, तो अपन प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं.
लेकिन जिसमें सबसे पहले दरगाह वो दरगाह रिलेशन। अब मैं कहूँ कि अगर मैं मेरे को डेटा वो एक्सेस करना है, टू और मोर टेबल्स एक्सेस करना है, तो वो टेबल क्या होगी, कनेक्टेड होंगी। अब वो टेबल कनेक्टेड होगी इसका मतलब एक कॉलम है वो दूसरी एक टेबल से जो एक कॉलम है वो दूसरी टेबल में किसी न किसी कॉलम से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और ये कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या है, वो क्या है, रिलेशन। तो अपन ये कहते हैं कंडीशन या सिचुएशन देन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो अपन कहते हैं जो कनेक्टिविटी है, उससे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डोमेन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया होगा कि डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं कहूँ कि मेरे को मेल और फीमेल का एक कॉलम है जिसके अंदर अपन को क्या करना है, मेल फीमेल देना है, इट मीन्स जेंडर यहाँ पे बताना है। तो या तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ एम फॉर मेल, या फिर मैं करूँ क्या एफ फॉर फीमेल, या फिर मैं कहूँ करूँ ट्री, टी मतलब ट्रांसजेंडर। तो ऐसा मेरे को क्या करना है भाई, या तो मैं एम कर सकता हूँ, या एफ कर सकता हूँ, या मैं टी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया कि अपन को पर्टिकुलर किसी कॉलम के अंदर अपन को वैल्यू क्या देनी है, फिक्स वैल्यू देनी है, या तो एम देनी है, एफ देनी है, या टी देनी है। तो कहने का मतलब हो गया कि डोमेन का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। किसी कॉलम के लिए परमिटेड जो वैल्यू होगी या उनका सेट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर डोमेन कहेंगे। ऐसे आपका आता है टपल, तो टपल यहाँ पे कहेंगे रो को। टपल के अलावा से अपन क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स यहाँ पे क्या, कॉलम, या अपन इसे फील्ड भी कह सकते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अपन कहें कि भी टेबल के अंदर रो है, उससे तो अपन क्या कहेंगे, टपल या रिकॉर्ड या रो। और एट्रीब्यूट मतलब कॉलम को अपन क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट, या फिर क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। जनरली डिग्री और कार्डिनलिटी की अपन बातें बाद में करेंगे, ठीक है। सीधा अपन आते हैं जहाँ से अपन ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, वहाँ पे आते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये टेबल है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। इसके बेस पे अपन क्या करेंगे, अपन उसको डिवाइड कर पाएंगे जो भी अपनी, जैसे मैंने कहा कि भाई माई एसक्यूएल है तो उसमें लैंग्वेज काम करती है वो एसक्यूएल करती है। एसक्यूएल की 3 सब लैंग्वेज है, DDL, DML और TCL। हो सकता है आपसे कमांड का नेम भी पूछ लें कि भाई आपके DML के अंदर कौन सी कमांड आती है, या TCL के अंदर कौन सी कमांड आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो देखिए क्रिएट ऑल्टर ड्राइव। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, DDL। DDL किस पे काम करता है, स्ट्रक्चर पे काम करता है। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। नेक्स्ट अपन क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, तो वो अपन ने क्या बनाया, अपने जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर बनाया। अब स्ट्रक्चर बनाया तो अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, क्रिएट ऑल्टर और ड्रॉप। टेबल को बनाने के लिए क्रिएट, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए ऑल्टर, और उसको डिलीट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ड्रॉप को काम में लेते हैं। तो ये जो DDL है वो किस पे काम करता है, आपका आपके टेबल के या डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आपका आता है DML। अब DML किस पे काम करेगा, आपने टेबल बना ली, डेटाबेस बना लिया, अब इसमें अपन क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। इट मीन्स DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये किस पे काम करेगा, आपके जो अपन ने टेबल बनाई उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट करेंगे। तो या तो डेटा इंसर्ट करेंगे, जस्ट लाइक इंसर्ट कमांड है, अपडेट करना हो डेटा को अपडेट करेंगे, सेलेक्ट मतलब डेटा को जो डिस्प्ले करेंगे, और डिलीट आपके डेटा को डिलीट करने के लिए। तो इसमें आप क्या करें, इसको आप ये देखें कि भाई DDL का मैं एक्चुअली काम क्या है, कि टेबल को बनाना, डेटाबेस को बनाना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना। DML का बेसिकली मीन क्या है, इसमें अपन वो कमांड काम में लेते हैं जिसके थ्रू अपन डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब DDL के अंदर मैंने ओनली क्या करा है, स्ट्रक्चर बनाया। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास एक मेरे को एक मकान बनाना है, घर बनाना है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया। अब उसके अंदर क्या रखा जाएगा, कहाँ पे बेड आएगा, कहाँ पे मैं कहूँ कि अलमीरा अपनी आएगी, कहाँ पे अपन को किचन करना है, तो ये सारी चीज़ें कि किचन का सामान अपन को कहाँ पे रखना है, ये अपन क्या करते हैं, मकान बनाने की बात करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, टेबल और डेटाबेस आपने बनाया वो DDL के थ्रू बनाया, उसमें कुछ चेंज करना था वो आपने ऑल्टर के थ्रू किया, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आपने किसके थ्रू किया, ड्रॉप के थ्रू किया। तो ये तो बात आती है किसकी, टेबल की, डेटाबेस की। और अगर अपन बात करें DML, DML मतलब अब अपन डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे, टेबल बना चुके हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। और नेक्स्ट TCL की बात अपन बाद में करेंगे। इसके अलावा अपन ने क्या बात की, तो देखिए शो डेटाबेसेज। शो डेटाबेसेज का यूज़ किस लिए, जितने भी डेटाबेस अपने जो कंप्यूटर के अंदर पहले से बने हैं, MySQL के अंदर पहले से बने हैं, उनकी सबकी लिस्ट ये क्या करेगा, शो करेगा। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले ऑल द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो अपन को क्या लिखना है, शो डेटाबेसेज।
अब मैं इसका प्रैक्टिकली आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अपन कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास ये कंप्यूटर जो MySQL है और इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस बने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शो डेटा बेसेज, ठीक है, शो डेटा बेसेज कमांड। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ डेटा बेस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा A1 A2 अशोक MAN MySQL टेस्ट, ओके। तो ये आपको लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है, किसकी, नंबर ऑफ डेटाबेस जो अपने एग्जिस्टिंग है आपके MySQL के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करना हो, देखिए अगर अपन को डेटाबेस को यूज करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, डेटाबेस के अंदर डेटा रखना है, तो उसको अपन को क्या करना होता है, यूज करना होता है, उसको ओपन करना होता है। तो इसके लिए कमांड अपनी क्या आती है, लाइक यूज और देन डेटाबेस का नेम। अब डेटाबेस का नेम कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट कि मेरे पास A1 को मेरे को यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड का मिलूंगा यूज और देन A1, A1 मैंने लिखा। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, सेमीकोलन का यूज करके इंटर मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटाबेस चेंज, इट मीन्स अब आपका A1 है वो ओपन हो चुका है। अब आप जो भी टेबल बनाओगे वो किसके अंदर बनेगी, A1 के अंदर बनेगी। जो भी डेटा इंसर्ट करोगे वो किसके अंदर करोगे, जो भी जो अपने टेबल है A1 के अंदर, उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए डेटाबेस बनाते कैसे हैं, ये तो अपन ने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में काम किया है। अगर आपको बनाना होता है तो अपन क्या काम में लेते हैं, क्रिएट काम में लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्रिएट देन डेटाबेस और देन डेटाबेस का नेम, कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो देखिए मैं दोबारा यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट देन डेटाबेस और देन डेटाबेस का नेम, सपोज दैट मेरे को स्कूल नाम से डेटाबेस बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्कूल एंड क्वेरी ओके, इट मीन्स आपका डेटाबेस बन चुका है। अब अगर अपन बात करें कि भी मेरे को लिस्ट देखना है, तो मैं शो डेटाबेस ऐसे करूँगा, ये बना या नहीं बना, तो जैसे मैंने किया तो आप देख पा रहे हैं स्कूल यहाँ पे आपका डेटाबेस बन चुका है, ओके। ऐसे अगर अपन बात करें तो देखिए टेबल, तो टेबल बनाने के बाद अपन करेंगे, और यहाँ पे DSC, तो ये टेबल से रिलेटेड है। इसके अलावा पहले अपन जो बात करें वो देखो क्या करें, वो अपन ये करेंगे, आपने डेटाबेस को बनाया तो ये डेटाबेस बन गया। अब इसको ओपन करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया यूज और देन डेटाबेस नेम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया यूज स्कूल, अब यहाँ पे डेटाबेस चेंज, मतलब डेटाबेस आपका ओपन हो गया। अब अगर इसमें देखें अपन टेबल बनी है या नहीं बनी, तो देखिए अभी अपन ने इसको बनाया है तो टेबल तो अपन ने इसमें क्रिएट की नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, एम्प्टी सेट शो टेबल्स। तो ये शो टेबल्स कमांड क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा नंबर ऑफ टेबल कितनी है, तो यहाँ पे बता रहा है एम्प्टी सेट, इसका मतलब आपकी कोई भी टेबल इसमें नहीं बनी है। पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने यूज A1 किया था, A1 पहले से बना था डेटाबेस, अब उसके अंदर मेरे को क्या देखना है, टेबल देखनी है, तो मैं यहाँ पे करूँगा शो टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे पहले से टेबल्स बनी है, एड्रेस, कस्टमर, कस्टमर वन, ऑर्डर्स, शॉपी। तो अगर अपन को डेटाबेस की लिस्ट अपन को चाहिए, तो अपन क्या लिखते हैं, शो डेटाबेस। अगर अपन को जो टेबल की लिस्ट चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, शो टेबल्स करते हैं, ओके। तो मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट अपने अभी के लिए जो अपने जो कमांड है वो क्या है, तो देखिए अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको अपन को शो करना है, तो शो डेटाबेस। अगर किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, यूज कमांड का यूज करेंगे, यूज कमांड। डेटाबेस को बनाना है तो क्रिएट देन डेटाबेस कीवर्ड और देन डेटाबेस नेम, ठीक है। और अगर अपन टेबल्स को शो करना चाहते हैं, तो शो टेबल्स, तो शो टेबल्स का यूज करेंगे, जिससे अपनी टेबल है वो शो हो जाएगी। आप ऊपर ही ऊपर देख पा रहे हैं शो टेबल्स, तो नंबर ऑफ टेबल है वो अपनी शो हो जाती है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए अगर कोई भी कमांड आपसे पूछेगा, तो अगर जनरली कमांड आपकी छोटी है, तो कम से कम एक नंबर में आपको ये पूछेगा, तो काफ़ी आसान है। तो कोशिश करें कि इसका प्रैक्टिकल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो साथ में आप करें, और आपके पास ये PDF अगर आपके पास है नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, ठीक है। तो ये ज़रूर आपका जो वर्क है वो आपका जो IP की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।